स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 का अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आप पढ़ोगे कुछ अदर टाइप के एंगल जो मिलकर बनते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन के थ्रू। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने चैप्टर 5 में मैंने आपको पढ़ाया वो पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे और एंगल के टाइप, एंगल के टाइप ऑन द मेज़र, ऑन द बेसिस ऑफ मेज़र, और उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सारे एंगल मैंने आपको एक्सप्लेन किए। उसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करा दिए। स्टूडेंट आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेटेड टू लाइंस एंड एंगल्स, रिलेटेड टू योर ज्योमेट्रिकल पोर्शन। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप इन नेक्स्ट क्लासेस में अगर अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे यहाँ पर, तो अब बेसिक आपका जो क्लियर हो जाएगा तो आप नेक्स्ट क्लासेस में अच्छे से उसको कर पाओगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा इंटरसेक्टिंग लाइन के डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो व्हाट इज़ इंटरसेक्टिंग लाइन स्टूडेंट? तो इंटरसेक्टिंग लाइन द टू लाइन एल एंड एम, आपके सामने दो लाइन एल और एम है, इंटरसेक्ट अगर उनको बोलते हैं इफ़ दे हैव अ पॉइंट इन कॉमन, अगर उनके पास कोई कॉमन पॉइंट है, दिस कॉमन पॉइंट ओ इज देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इस पॉइंट ओ को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। किसी लाइन एल और एम को हम इंटरसेक्टिंग लाइन तब बोलते हैं जब उनके पास एक कॉमन पॉइंट ओ या कॉमन पॉइंट जो भी हो वो हो, और उस कॉमन पॉइंट को हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं स्टूडेंट। तो ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट आते हैं व्हाट इज पैरेलल लाइन। तो स्टूडेंट जब मैं आपको लाइन लाइन सेगमेंट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन डिफाइन करी थी, बट यहाँ पर भी आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो जो लोग नहीं उस टॉपिक को अटेंड कर पाए थे यहाँ पर समझ लें। पैरेलल लाइन स्टूडेंट द टू लाइन एल एंड एम, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा एल और एम दो लाइन है, उनको पैरेलल हम बोलेंगे जब इफ़ दे डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट, वो कभी भी किसी पॉइंट पर मीट ना हो, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम शुड सेम ईच अदर ईच एंड एवरी पॉइंट, मीन्स उनके बीच में जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए हर जगह, हर एक पॉइंट पर। देखिए स्टूडेंट, तो वो लाइन पैरेलल लाइन होती है। सभी लोगों ने रेलवे लाइंस देखी होंगी, तो स्टूडेंट उनके बीच में जो पटरियों के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस बिल्कुल सेम होती है। और स्टूडेंट आपने सभी लोगों ने डेस्क देखी होगी घर की अपनी, तो कोशिश करें ये करी जाती है कि उनकी जो एजेज हैं उनके बीच के डिस्टेंस बिल्कुल सेम हो। तो ये जो लाइंस हैं वो क्या कहलाती हैं स्टूडेंट? पैरेलल लाइन कहलाती हैं। आपके सामने एल और एम लाइन पैरेलल लाइन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट नया है ये, इसको समझना है अच्छे से स्टूडेंट। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? देखिए स्टूडेंट, अभी तक हमने क्या पढ़ा? इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन। ठीक है, आप पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन स्टूडेंट वो लाइन होती है, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ठीक है, ऐसी लाइन जो दो, ठीक है, या दो से ज़्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, मीन्स उसके जो स्टूडेंट पॉइंट हों, इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो क्या हों? अलग अलग हों, और वो एक सिंगल लाइन बहुत सारी लाइनों को कट कर रही हो। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन में एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही थी एक कॉमन पॉइंट पर, वैसे ही यहाँ पर जो ट्रांसवर्सल लाइन होगी स्टूडेंट वो दो या दो से ज़्यादा लाइन को डिफरेंट पॉइंट पे कट करेंगे। तो इमेजिन करिए कैसा फिगर होगा होने वाला है स्टूडेंट। आपके सामने देखो एक लाइन एल है और एक एम है, उसको एक लाइन ऊपर से इंटरसेक्ट कर रही है पी लाइन, देखिए, और अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है कि यहाँ पर और एक इस जगह कर रही है,
तो ये लाइन स्टूडेंट क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। एल और एम पैरेलल है, और जब केस दूसरा वाला जब एल और एम पैरेलल नहीं है। देखिए दूसरे वाले केस में एल और एम पैरेलल नहीं है ना स्टूडेंट, यहाँ पर भी पी एक ट्रांसवर्सल लाइन का ही वर्क करेगी। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, अलग अलग पॉइंट पर अगर उसको कट करे तो स्टूडेंट वो लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब आते हैं कि इस फिगर में कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल है, आपको ऊपर दिख रहा है, मैंने डिनोट भी किया है, पी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट ट्रांसवर्सल लाइन से बनने वाले एंगल, द एंगल्स मेड बाई ट्रांसवर्सल लाइन। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल न्यू है कॉन्सेप्ट, न्यू टॉपिक है, अच्छे से समझना, 10 बार वीडियो देखना बट समझ लेना, ठीक है। मैंने 6th B क्लास में मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया था जब IIT फाउंडेशन पढ़ा रहा था, ठीक है। तो आई होप कि उन लोगों को ये टॉपिक कंसर्ट होगा और उनको आता भी होगा, मालूम होगा। तो बट जो 6th A के स्टूडेंट हैं उनको मैंने ये नहीं पढ़ाया था, तो वो यहाँ पर अच्छे से वीडियो को देखें, समझें। और मैंने इसी वजह से, ताकि आपको अच्छे समझ में आए, मैंने फिगर में कलरिंग भी कर दी है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो स्टूडेंट 1 पे और 5 पे आपको 105 नंबर दिख रहे होंगे ग्रीन है, और 3 और 7 पे येलो है, ठीक है। इस पे कन्फ्यूज़न रहेगा तो अच्छे से समझिएगा, और बाकी तो अलग दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है। द एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो अगर देखिए अब यहाँ पर फिगर में आपको क्या दिख रहा है, समझिए, पहले फिगर को रीड करते हैं स्टूडेंट। एल और एम दो लाइन है, पैरेलल है, यस या नो? नहीं है ना। L और M दो लाइन है जो कि पैरेलल नहीं है, उनको एक ऊपर से लाइन अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जिसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। और ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पर किससे डिनोट किया गया है, P से। समझ में आ गया स्टूडेंट, किससे डिनोट किया गया है, P से। स्टूडेंट आपको मालूम होगा इंटीरियर और एक्सटीरियर, मैंने बताया था आपको, बताया था इंटीरियर क्या होता है स्टूडेंट, अंदर का हिस्सा, अंदर का भाग, अंदर आने वाले सारी चीज़ें। और एक्सटीरियर स्टूडेंट क्या होता है, बाहर आने वाली चीज़ें, बाहर आने वाला हिस्सा, बाहर आने वाला भाग, बाहर आने वाला पार्ट, तो ये एक्सटीरियर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट अब मुझे बताओ कि इंटीरियर कहाँ है और एक्सटीरियर कहाँ है। स्टूडेंट अगर इस फिगर में हम देखें तो इंटीरियर कौन सी जगह है और एक्सटीरियर कौन सी जगह है, बिल्कुल स्टूडेंट जो आपको यहाँ पर 3, 4, 5, 6 दिख रहे हैं, 3, 4, 5, 6 दिख रहे हैं, वो सारे क्या हैं स्टूडेंट, इंटीरियर पार्ट, अंदर वाले पार्ट हैं। और 1, 2, 7 और 8 जो हैं वो बाहर वाले पार्ट हैं। समझ में आ गया ना स्टूडेंट, इंटीरियर और एक्सटीरियर। और इसी से हम इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को भी समझ जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम फिगर में देखें, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, तो स्टूडेंट यहाँ पर पेयर नहीं, व्हाट इज़ द हाउ मेनी इंटीरियर एंगल इन दिस फिगर, तो आप बताओगे 4 इंटीरियर एंगल। कौन कौन से, पहला इंटीरियर एंगल स्टूडेंट एंगल 3, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा एंगल 3, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ठीक है। तो एंगल का साइन मैंने आपको बताया था कैसे लगता है, देखिए सामने आपके बना हुआ है एंगल का साइन, कि आपको ट्रायंगल में एक लाइन नहीं खींचनी है, ठीक है ना, राइट हैंड साइड वाली, तो एंगल का आपको साइन बन जाएगा, ठीक है। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 6 एंड एंगल 5, ये इंटीरियर एंगल होगा। अब ऐसे ही हम इसको एक्सटीरियर, हाउ मेनी एक्सटीरियर एंगल इन दिस फिगर, तो आप बताओगे 4 एक्सटीरियर एंगल, 1, 2, 7 और 8, तो आप कैसे लिखोगे इसको, एक्सटीरियर एंगल इज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। समझ में आ गया। अब आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप समझिएगा अच्छे से। इसका नाम है स्टूडेंट कोरेस्पोंडिंग एंगल। क्या नाम है स्टूडेंट, कोरेस्पोंडिंग एंगल। क्या नाम है स्टूडेंट, कोरेस्पोंडिंग एंगल। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो पेयर हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग के पेयर होंगे, जैसे एडजेसेंट के पेयर बन रहे थे, लीनियर एंगल के पेयर बन रहे थे, सप्लीमेंट्री एंगल के पेयर बन रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर बन रहे थे, वैसे ही यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के भी पेयर वाइज होंगे। तो मैंने इस
फिगर में स्टूडेंट जो सेम कलर से किया है, जो मैंने एंगल सेम कलर से किया है, वो सारे कोरेस्पोंडिंग एंगल के पेयर हैं। तो ढूंढ लीजिए, अपने मन में देखिए, फिगर को देखिए और सोचिए कि हाँ कौन से मैंने सेम कलर से किए हैं और कौन से कोरेस्पोंडिंग एंगल होंगे। उनका नेम अभी बोलिए, जस्ट आप वीडियो को देखते हुए बोलिए। एंगल टू, एंगल सिक्स दिख रहा है सबको, पिंक कलर से मैंने किया है। उसके बाद एंगल वन और एंगल सेवन ग्रीन कलर से किया है स्टूडेंट। उसके बाद एंगल थ्री और एंगल सेवन मैंने किससे किया है, सेम कलर से किया है, येलो से। और एंगल वन और एंगल फाइव, जो मैंने बोला एंगल थ्री और एंगल सेवन, वो मैंने येलो कलर से किया है। एंगल वन और एंगल फाइव ग्रीन कलर से किया है स्टूडेंट। एंगल वन और एंगल फाइव ग्रीन कलर से किया है। और एंगल फोर और एंगल एट स्लेटी कलर से किया है, पेंसिल कलर से, ठीक है। तो एंगल फोर और एंगल एट स्टूडेंट, ये जो चार पेयर मैंने आपको बता रहा हूँ जो इसमें सेम कलर से हैं, वो सारे करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे स्टूडेंट। समझ लीजिए, रट लीजिए, जान लीजिए और इसको अपने माइंड में चढ़ा लीजिए कि हाँ ये ही करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। अगर कंडीशन ये है कि दो लाइन है एल और एम और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये सारे पेयर जो सेम कलर से हैं, वो सारे पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर होंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो कौन कौन से, एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, कौन कौन से सेम कलर के हैं स्टूडेंट? एंगल टू और एंगल सिक्स करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल वन और एंगल फाइव करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल फोर और एंगल एट करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल थ्री और एंगल सेवन करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, इसमें फिगर को देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है कि हम इसको कैसे, अगर लैंग्वेज में लिखना होगा करस्पॉन्डिंग एंगल को, तो कैसे लिखेंगे? तो स्टूडेंट मैं इसके लिए भी आपको बता देता हूँ कि आप इसको लैंग्वेज में कैसे लिखोगे। तो स्टूडेंट करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे उनमें डिफरेंट वर्टिसेस होगी। क्या होगी स्टूडेंट? डिफरेंट वर्टिसेस आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। वो क्या होंगे? सेम साइड होंगे किसके? ट्रांसवर्सल के। स्टूडेंट मैंने आपको जो बताया, ध्यान से सुनिए कि डिफरेंट वर्टिसेस होंगी, ठीक है। जो एंगल जहाँ बन रहा होगा उसकी वर्टिसेस क्या होंगे? डिफरेंट होंगी। आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होंगी एंड आर इन करस्पॉन्डिंग पोजिशन अबव और बिलो। और वो क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग पोजिशन में होंगे। जस्ट देखिए, जो टू और एंगल जो सिक्स बन रहा था स्टूडेंट, जो टू और एंगल सिक्स बन रहा था, आप देखो कि वो करस्पॉन्डिंग अबव और बिलो में है। ऐसे ही एंगल फोर और एंगल एट जो बन रहा था स्टूडेंट, करस्पॉन्डिंग पोजिशन में थे ना, अबव और बिलो। और लेफ्ट और राइट में भी ऐसे ही चलेंगे, करस्पॉन्डिंग पोजिशन में होंगे, ठीक है ना। तो ये तीन कंडीशन करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए स्टूडेंट हो गई। आपको फिगर में दिख भी रहा होगा कि फर्स्ट फिगर में देखिए वन और फाइव, अबव और बिलो, डिफरेंट वर्टिसेस एंड सेम साइड, ठीक है। उसके बाद थ्री एंड सेवन, अबव एंड बिलो एंड सेम साइड एंड डिफरेंट वर्टिसेस। उसके बाद टू एंड सिक्स स्टूडेंट, आपको दिख रहा होगा थर्ड फिगर में, अबव एंड बिलो, सेम साइड एंड डिफरेंट वर्टिसेस। फोर एंड एट स्टूडेंट, डिफरेंट वर्टिसेस, अबव एंड बिलो एंड सेम साइड, ठीक है। समझ में आ गया ना स्टूडेंट सबको करस्पॉन्डिंग एंगल? अब स्टूडेंट आते हैं हम अगला हमारा टाइप, और से हम बोलते हैं माइंड में खोल करके, अपने कानों को खोल करके सुनिए, दैट अल्टरनेट एंगल। क्या? अल्टरनेट एंगल। पहला एंगल क्या था स्टूडेंट? करस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पर मैंने किसका नाम लिया? अल्टरनेट एंगल। किसका नाम? अल्टरनेट एंगल। अब इस फिगर में आप देखोगे स्टूडेंट, मैंने दूसरा फिगर बनाया हुआ है जिसमें जो सेम कलर वाले एंगल हैं वो सारे अल्टरनेट एंगल हैं। स्टूडेंट सेम कलर वाले एंगल आपको दिख रहे होंगे, तुरंत आप उन सेम कलर वाले एंगल्स का नाम अपने टंग पे लो, ठीक है। तुरंत आप बोलो वो सेम कलर वाले कौन से एंगल हैं, तुरंत वीडियो को देखते हो बोलिए स्टार्ट। बिल्कुल, एंगल फोर एंड एंगल फाइव, बिल्कुल। नेक्स्ट, एंगल थ्री एंड एंगल सिक्स, वेरी गुड। एंगल वन एंड एंगल एट, वेरी गुड। एंगल टू एंड एंगल सेवन। तो ये सारे एंगल स्टूडेंट जो सेम कलर के हैं, ये अल्टरनेट
एंगल हैं। क्या है स्टूडेंट? अल्टरनेट एंगल। कौन से एंगल है? अल्टरनेट एंगल स्टूडेंट। करस्पॉन्डिंग में मैंने आपको जो सेम कलर के बताए थे वो आपको समझ में आ गए। अब अल्टरनेट में मैंने आपको बताया कि सी फिगर में आपको दिख रहा होगा कि ये जो स्काई ब्लू है स्टूडेंट, आप मैंने स्काई ब्लू किया है बट आपको वॉयलेट टाइप का दिख रहा होगा। तो फोर एंड फाइव स्टूडेंट, एंगल फोर एंड एंगल फाइव जो है वो अल्टरनेट एंगल हैं, ठीक है। एंगल थ्री एंड एंगल सिक्स ब्राउन कलर में दिख रहा होगा, ये भी अल्टरनेट एंगल हैं। एंगल टू और एंगल सेवन ग्रीन कलर में है स्टूडेंट, ये भी अल्टरनेट एंगल हैं। येलो कलर में वन एंड एंगल एट, ये भी अल्टरनेट एंगल हैं। तो सेम कलर वाले स्टूडेंट सारे अल्टरनेट एंगल हैं। स्टूडेंट आपको अब इन अल्टरनेट एंगल को क्लासीफाई करना है टू टाइप्स में। पहला टाइप इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, दूसरा टाइप एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। बहुत इजी है। इंटीरियर एक्सटीरियर का मतलब समझते हो अब, इंटीरियर दैट मीन्स जो अंदर है और एक्सटीरियर मीन्स जो बाहर है, बट वो इंटीरियर एंगल नहीं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल जो अंदर है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल जो बाहर है। तो इसी टाइप में आपको टू पेयर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के और टू पेयर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल के आपको मिलेंगे। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल स्टूडेंट कौन कौन से हो जाएंगे? एंगल फोर एंड एंगल फाइव। और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन से हो जाएंगे? इंटीरियर का दूसरा पेयर कौन सा हो जाएगा? एंगल थ्री एंड एंगल सिक्स। और जो दूसरा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल का पेयर होगा वो होगा एंगल वन और एंगल एट और एंगल टू एंड एंगल सेवन। समझ में आ गया स्टूडेंट? आई होप कि सबको क्लियर हुआ होगा। बहुत ज़्यादा बिगेस्ट कॉन्सेप्ट नहीं है और जब बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होनी भी नहीं चाहिए। अगर अच्छी तरीके से ध्यान से वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इजी वे में, ठीक है। अब स्टूडेंट आते हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे अपने डेफिनेशन में या फिर कैसे हम इसको एज ए लैंग्वेज लिखेंगे। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे फिगर 5.26 में राइट हैंड साइड में देखिए कि एंगल थ्री और एंगल सिक्स, एंगल फोर और एंगल फाइव अल्टरनेट एंगल हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनमें डिफरेंट वर्टिसेस है जो कि कॉरस्पॉन्डिंग में भी था, आर इन अपोजिट साइड। करस्पॉन्डिंग में कहाँ था स्टूडेंट? सेम साइड में। बट इसमें क्या है स्टूडेंट? अपोजिट साइड। थ्री और सिक्स दोनों अपोजिट साइड में हैं, लाई बिटवीन टू लाइंस। और ये जो है वो टू लाइन के बीच में लाई कर रहा है। किसके बीच में? टू लाइंस के बीच में लाई कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये कंडीशन है अल्टरनेट एंगल की। अब स्टूडेंट आपको करना क्या है आज का होमवर्क मैं आपको बता देता हूँ। आज का जो होमवर्क है आपका स्टूडेंट, वो आपको पहले तो ये फेयर नोटबुक में आपको नोट्स बनाने हैं और उसके बाद फेयर नोटबुक में पूरे नोट्स बना करके नीट एंड क्लीन वे में आपको ये ट्राई दीज रफ नोटबुक में करना है, ठीक है। उसके बाद इसी के आगे में आपको ये भूलना नहीं है, बिकॉज जो कल का टॉपिक रहेगा वो जस्टिस से रिलेटेड बिल्कुल रहेगा, ठीक है। तो मैं कल रिविज़न करा दूंगा, बट बी प्रिपेयर फॉर दिस टॉपिक अलॉन्ग विद दिस टॉपिक एज वेल, बिकॉज अगर ये टॉपिक आपको लर्न नहीं, समझ में नहीं रहता है या फिर आपके माइंड में नहीं रहता है तो आपको कल का टॉपिक नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आप ट्राई इसको करोगे और नीट एंड क्लीन राइटिंग में होमवर्क करके आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेजोगे, ओके। तो थैंक यू सो मच।